Hi friends, Veenu once again. Today I am teaching you BC Bela. मेरी बेटी आई हुई है कलकत्ता से. इसको BC Bela इतना पसंद है. जब ये बैंगलोर आती है तो इसकी एक ही फरमाइश रहती है, मम्मी मुझे आपके हाथ के BC Bela. हमारे MTR का बहुत फेमस है पर इसको सिर्फ मम्मी का चाहिए. तो मैं आज इसके लिए बना रही हूँ. तो मैंने कहा आप सबको भी मैं रेसिपी सिखा देती हूँ. माय फेवरेट मॉम सुकुक मॉम, आई लव योर रेसिपीज. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल द इंग्रेडिएंट व्हाट वी वांट इन द BC Bela. BC Bela तीन पार्ट में बनता है. एक तो इसका हमें सूखे मसाले पीसने सेक के पीसने पड़ेंगे, दूसरा गीली ग्रेवी होगी और तीसरा कुछ वेजिटेबल काट के इसके अंदर डाले जाते हैं. तो मैं पहले बताती हूँ जो सूखे इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता रही हूँ. ये मेरा मेजरमेंट कप है. ये है उड़द की दाल. उड़द है, साबत उड़द है या उड़द की दाल आपका मन करे वो यूज कीजिए. और चने की दाल, ये इमली. और ये है लाल मिर्च सूखी हुई. ये फ्रेश नारियल है. मूंग की दाल और काजू, दाना मेथी. सूखे इंग्रेडिएंट के लिए हमें मेथी दाना चाहिएगा. ये दाना मेथी है, ये जीरा है और इसी में हम केरी पत्ता डालेंगे. अब इन सबको हम कढ़ाई में थोड़ा रोस्ट करेंगे और उसके बाद मिक्सी में पीसेंगे. सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ द BC Bela, टमाटर. टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्ची, इनको हम अलग से मिक्सी में पीस लेंगे. और थर्ड है BC Bela में हम वेजिटेबल्स डालते हैं. ये वाले गोल ऑनियन आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, अगर ये मिले तो सबसे बेस्ट इज दिस ऑनियन ओनली. अदरवाइज आप जो भी डालो, फूल गोभी, कैरेट, बीन्स, केरी पत्ता, मटर. और हम दाल चावल भी हम कुकर में चढ़ाएंगे. एक कप दाल और डेढ़ कप चावल, और उनको हम अच्छे से धो के कुकर में उसके अंदर हम थोड़ी सी ये कच्ची मूंगफली डाल देंगे. मूंगफली BC Bela में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, BC Bela का स्वाद ही बढ़ा देती है. और उसमें हम हल्दी, नमक और दो लाल टमाटर डाल के कुकर में चार सीटी दिलाना है. हम पहले सूखे मसालों को सेक लेते हैं. चलो सीमा, अब हम शुरू करें. चलो BC Bela, तेरे साथ साथ मैं कितनों को सिखा रही हूँ और किस किस को फायदा होगा वो हम फिर देखेंगे कमेंट बॉक्स को खोल के. sure. तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है. पहले मैं डाल रही हूँ उड़द की दाल, फिर डाल रही हूँ मूंग की दाल और ये चने की दाल और ये जीरा, ये हमारी मेथी. अब इनको हम थोड़ा अच्छे से सेकेंगे. इनको अच्छा डार्क ब्राउन हमें रोस्ट करना है, तब BC Bela का कलर भी अच्छा आएगा और उसमें खुशबू भी. मैं इसी में केरी पत्ता डाल रही हूँ, ये हमारा नारियल भी डाल रही हूँ, ये है हमारा मेन आइटम इमली. 100 ग्राम इमली है इसमें, आधा नारियल है. अब मैं इनको और ये लाल मिर्च भी मैं ऐड कर देती हूँ. बस ये इतने इंग्रेडिएंट हमें सेकने हैं. अब मसाला तो हम सेक रहे हैं, वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब तक मैं ये गीला इंग्रेडिएंट इसका सेक पीस लेती हूँ मिक्सी में. ये प्याज, टमाटर और ये हरी मिर्च, अदरक, इनको मैंने इसमें डाल दिया. और अब मैं इसी के अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ. ये एक चम्मच हींग है. BC Bela में हींग का भी बहुत महत्व होता है. एक चम्मच भर के डाली हूँ, ध्यान में सही है सबके. अब मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ. ये छोटा चम्मच, एक टीस्पून भर के गरम मसाला इसमें डालना है.
अब हम इसमें थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे। मैं पाउडर करके हमेशा रखती हूँ, तो इतना सा मैं दालचीनी का पाउडर डालती हूँ। बहुत स्ट्रांग होती है दालचीनी हमेशा। अब हम इसे पीस देंगे। एक बार मैं चेक कर रही हूँ हो गया क्या, एक बार और चला लेती हूँ, थोड़ा अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से पिस गया है, अब ये भी तैयार हो गया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, तो हींग और दालचीनी की, गरम मसाला दब जाता है कभी भी दालचीनी की सुगंध के आगे। ये मैंने कुकर में आपको बताया था ना, एक कटोरी दाल और डेढ़ कटोरी चावल, एक टमाटर, हल्दी, हल्की लाल मिर्च और नमक और एक चम्मच घी डाल करके मैंने इसमें कुकर में इनको अच्छे से चार सीटी दिला लिया है। तो ये हमारे देसी बेला के दाल चावल तो रेडी हैं। अभी मसाला भी गीला और सूखा रेडी हो गया। अब इन वेजिटेबल्स को मैं अब एक सीटी दिलाऊंगी। प्याज को छोड़कर गोभी, कैरेट, बीन्स को मुझे कुकर में एक सीटी दिलानी है। अब मैं वो तैयारी कर रही हूँ। तो अब हम चेक करते हैं अब हमारा वो मसाला कितना सिका है। ये देखो हमारा मसाला, मैंने इतना डार्क हमको सेकना है, देखिए कैसे डार्क ब्राउन या कॉफी कलर का हो गया हर चीज। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी के कप में सेक लेंगे। ध्यान से देखिएगा, मसाला एकदम ऐसा सेकना है हमें हर चीज को। एक बात और बता रही हूँ कि यही मसाला मलगापुरी होती है और यही मसाला आप सांभर में यूज कर सकते हो। इसका जो सांभर बनेगा, सांभर वड़ा बनाइए, इतना अच्छा फ्लेवर आएगा आप बाजार के सब मसालों को भूल जाएंगे। तो ये मसाला तीन चीजों में काम आता है, बिसी बेला, सांभर और मलगापुरी बन जाता है इसे। तो आप ये तीनों में इसको आराम से यूज कीजिए। अब हम इसको पीसेंगे, ठंडा होने पर मैं इसे पीसूंगी। हमारा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको मिक्सी में सूखा पीस रही हूँ। पहले ये जो मैंने आपको सूखा मसाला बताया था वो मैंने काफी क्वांटिटी में बताया था कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, इसको सांभर में और मलगापुरी में और जब भी बिसी बेला बनाए उसमें यूज कर सकते हो। तो वो मसाला मेरा इतना हो गया है। अगर आपको सिर्फ बिसी बेला के लिए चाहिए तो आप बहुत कम क्वांटिटी में सब दालों को लेना। ये अब मेरा सूखा मसाला देखिए इतना अच्छे से रेडी हो गया और इसमें मैंने हल्का सा नमक भी मिला दिया है, तो इसमें नमक भी हो गया है और इसको आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई डर नहीं कि बहुत अच्छा सिका हुआ है। चलो अब हम, ये गीला मसाला हमारा तैयार है, तो अब हम चलते हैं कढ़ाई और गैस की तरफ। अब मैंने गैस चालू कर दिया है, इसमें मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है। देखिए मैं तेल डाल रही हूँ इसमें, पहले 2 चम्मच 3 चम्मच मैंने तेल डाला है इसके अंदर। और ये मेरा थोड़ा बड़ा स्पून है इसे, इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। तेल और घी हमें दोनों मिक्स करके इसमें डालना है, तो ये मैंने डाल दिया है। अब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें राई डालेंगे। अब मुझे लग रहा हमारा ये घी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी राई। इतनी मैंने राई डाल दी इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें केरी पत्ता, नीम पत्ते जो बोल रहे हैं वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे काजू और इनको थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। काजू रोस्ट हो रहे हैं, थोड़े ब्राउन हो जाएंगे पिंक कलर के। हाँ, अब हमारे काजू पिंक होने लगे हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये जो मैंने गोल प्याज लिए थे ये हमारे साउथ में तो बहुत आते हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। और अब इसमें एक प्याज मैंने बारीक भी काटा है वो भी डाल रही हूँ। अगर साउथ वाले प्याज नहीं हो तो आप ये 2 प्याज डाल दीजिए इसके अंदर। हमारा प्याज और ये जो हमने बहुत अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें गीला मसाला मिलाएंगे जो मैंने पीसा था ना प्याज, टमाटर, अदरक डाल के, तो ये गीला मसाला हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको 2-4 मिनट हम हिला लेते हैं।
अब इसमें ये सूखा मसाला मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ऐसे भर के 1, 2 यानी 3 ही बहुत है हमारे उन नाप के चावल के लिए। अच्छा एक और हम लोग डाल देते हैं, चलो 4 टेबलस्पून इसमें डालिएगा। इस मसाले में मैंने हल्का नमक मिला दिया है और इसमें भी हम थोड़ा नमक डालें, वैसे दाल चावल में भी हमने नमक डाला है, ये हल्का ही डाला है मैंने इसमें नमक। अब जो सब्जियां मैंने बॉईल की थी, गोभी, बीन्स, कैरेट और मूंगफली, इनको भी मैं इसमें ही डाल रही, ऐड कर रही हूँ। और अब हम थोड़ा सा इसमें हमारे सूखे मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी और ये 1 चम्मच लाल मिर्च बस। और इसमें 1 नींबू का मैंने रस निकाला है, ये नींबू का रस भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। अब जब हम खाते हैं तो जिसको ज़्यादा चाहिए तो उस समय वो नींबू ले सकता है, पर इसमें ये सफिशियंट है 1 नींबू। सब्जियाँ भी अगर आप ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। एक बार बॉयल आ जाएगा इसके अंदर, थोड़े उबलने लग जाएंगे, तब हम इस पूरे को हम चावल में ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा अमूल बटर डाल रही हूँ, आप भी डालिएगा जरूर अमूल बटर। ये देखिए कोई भी बटर डाल दीजिए, अपने घर का बटर हो तो वो भी डाल दीजिए, पर बटर जरूर डालिए इसके अंदर। अब देखिए जैसे हमारा मसाला सिक गया तो इसमें देखिए घी बटर ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब ये अच्छे से सिक चुका है। तो अब हम इसे इस जो बिसी बेले का दाल चावल मिला रखा है ना, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। एक बार गैस को बंद कर दीजिए और इस पूरे मसाले को इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के हम कढ़ाई को साफ कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। खुशबू तो ऐसे महक रही है पूछो मत। अब हम लास्ट में, मेरी क्या होती है फ्रोजन मटर होती है, इसलिए इसे मैं लास्ट में ही ऐड करती हूँ। अगर वो मटर हो तो आप बॉयल में साथ में सब्जी के डाल दीजिए, पर मैंने इसे लास्ट में मिक्स किया। जब भी मैं कोई आइटम बनाती हूँ तो उसमें मैं पहले बहुत कम घी तेल का उपयोग करती हूँ, और उसके बाद जब तैयार हो जाता है तब मैं उसमें थोड़ा सा बघार डाल देती हूँ। तो उससे क्या वो इतना दिखता है जैसे हमने आधा कटोरी घी डाल दिया है, जबकि मैंने पाव कटोरी भी नहीं डाला है। तो अब मैं लास्ट में ये बघार दे रही हूँ, आप देख लीजिए। अब ये 2 टीस्पून भर के मैंने घी डाला है। अब ये गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म होने दो। अब हमारा घी गर्म हो गया है तो मैं उसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च और ये थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये देखिए। और जो मसाला मैंने सूखा बनाया था ना, अब इस बघार में भी मैं 1 चम्मच मसाला, तो कुल हमारा कितना हुआ 5 चम्मच ये मसाला लग गया इसमें बिसी बेला चावल में। तो अब मैं इसे गैस को बंद कर रही हूँ, अब ये डालूंगी। इससे जो रंग खुलेगा आप देखिएगा, अभी 2 मिनट में इसका रिजल्ट कितना बढ़िया आता है। ये देखिए अब मैंने ये डाला है, आपने पहले वाला बिसी बेला भी देखा, अब ये बिसी बेला का रंग देखिए, अब इट इज परफेक्टली रेडी। अब इसे हम 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे और खाने के लिए गर्मा गर्म तैयार है बिसी बेला। अब आप देखिए इसका रंग ही बदल गया, बिसी बेला तैयार हो गए हैं। देखिए हम कितने इंग्रेडिएंट थे और सब मिलके एक हो गया बिसी बेला।
बिसी का मतलब होता है गरम, और ये बेला मतलब चावल और दाल का ये मिक्सचर। अब देखिए बहुत सुंदर बन गया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश यहाँ साउथ में हम लोग जो नमकीन बूंदी है इसको खारा बूंदी बोलते हैं, इससे हम इसको गार्निश करते हैं ऐसे। इसको इसके बिना इसका स्वाद नहीं आया। ये सब चीज़ें मिलने पर ही परफेक्ट बनते हैं बिसी बेला। और इसमें हम इसके साथ खाते हैं चिप्स के साथ, जैसे ये चिप्स हमने मैंने यहाँ रखे हैं। जब आप लो थाली में तो आप जरूर चिप्स और खारा बूंदी के साथ ही इसे परोसिएगा। और हम इसमें धनिया पत्ती स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप भी जब बन जाए तो इसके अंदर आप धनिया पत्ती को डाल दीजिए। ये हमारे बिसी बेला तैयार है। अब टेस्ट करके मुझे बताओ सही बने या नहीं बने। कलकत्ता से चला के इस बिसी बेला के लिए आई है। जस्ट अमेजिंग, माउथ वाटरिंग। थैंक यू मॉम, आई जस्ट लव योर बिसी बेले। ओके थैंक यू बेटा, सो यम्मी। आप लोगों को मेरे बिसी बेला अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी चीज की भी आपको कहीं भी डाउट लगे कुछ भी मेजरमेंट में या टेस्ट में तो आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं एनी टाइम आप लोगों को बताने के लिए रेडी हूँ। तो ओके बाय।